नमस्कार, यूवीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूवीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08। ब्यावरा विधायक के प्रयासों से 15 विद्यार्थियों का पुलिस परीक्षा में हुआ चयन। निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था ब्यावरा विधायक द्वारा की गई थी। देखते रहिए यूवीएन 08 न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। दिनांक 27 मार्च 2022। ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थानों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ब्यावरा के विधायक रामचंद्र दांगी ने अपने क्षेत्र के इन युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को देखते हुए निःशुल्क विधायक विजन कोचिंग क्लासेस को प्रारम्भ किया। इस कोचिंग में प्रतिभावान युवाओं के सपने को साकार करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी विधायक ब्यावरा द्वारा कराई जाती है। आज उसी के परिणाम स्वरूप उक्त कोचिंग से 15 विद्यार्थियों का चयन मध्य प्रदेश पुलिस के लिखित परीक्षा एवं एसएससी जीडी में हुआ है। रामचंद्र दांगी विधायक ब्यावरा ने सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि आप सभी ऐसे ही मेहनत की पराकाष्ठा करते हुए अपने माता पिता व ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र का नाम रोशन करते रहे। विधायक ब्यावरा रामचंद्र दांगी ने कोचिंग क्लास के डायरेक्टर रोहित मीणा एवं उनकी टीम को भी धन्यवाद दिया है जो दिन रात मेहनत करके बच्चे के भविष्य को संवारने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। सभी छात्र, अब आप सब पढ़े लिखे हो, समझदार हो, पढ़ने के लिए आए हो। मीना जी आपको लगातार मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। मैं भी एक बात कहूंगा कि जो काम भी करें उसे तन मन लगा करके करें, एक लक्ष्य बना करके जीवन में काम करें कि हमें तो ये पढ़ना है, हमें तो इतना पढ़ना ही है, तो निश्चित रूप से आप लोग मुकाम पर पहुंचोगे। यही समय है आपके लिए, जीवन को किस दिशा में आप काम कैसे ले जाना चाहते हैं। तो जो ज़्यादा मेहनत करेगा, पर्याप्त समय देगा, पूरे दिमाग को स्थिर रख करके पढ़ाई नहीं करेगा और एक उद्देश्य का मतलब इस विषय में इसको पढ़ना है, ये नौकरी है, जो भी कर्म करना है उसके हासिल करना है, इसके लिए वो पूरी तन्मयता के साथ आप लोग करें। कई दिक्कतें भी आती है, कई समस्याएं भी आ जाती है पढ़ने लिखते हुए परिवार में, लेकिन इसके बाद भी दृढ़ निश्चय करके पढ़ाई लिखाई में पूरा ध्यान रखें। मोबाइल चलते हैं दुनिया भर के, बहुत सारे लोग मोबाइल में बहुत समय बर्बाद करते हैं, मोबाइल से भी उस समय बर्बाद होता है। मोबाइल का उपयोग इतने करें जो हमारी पढ़ाई में काम आ सके, और इसलिए इन सब चीज़ों से ध्यान हटके आप निश्चित रूप से पढ़े लिखे में दिमाग रखा।